हमारे दोस्त थे करण कपूर साहब, उन्होंने एक टीवी सीरियल शुरू किया जिसमें उनके बेटे काम कर रहे थे। उनके बेटे ने डिसाइड किया मैं नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा तुम कर लो, तो मैंने कर लिया। तू फौजी? फौजी एंड बिल्कुल घर के सामने रहते थे इसलिए कर लिया। एंड देन फौजी आई थिंक थोड़ा चल गया। तो एक दिन मैं घर में था, दो लोग मैं मेंशन जरूर करूंगा, एक मिस्टर हैरी बवेजा, मुझे पहला फोन मुंबई से मिस्टर हैरी बवेजा का आया। He was my class fellow. आज तक उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरी मम्मी ने उनका नंबर अपने हाथ से दीवार पे लिखते थे, तब पहले फोन होता ना उसके ऊपर लिखते थे, तो हैरी बवेजा लिखा था कि यार मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ आप आ जाए। तो मैं कह रहा यार कुछ फिल्मों में रोल मिल रहा है, तो मैंने तब नहीं किया। फिर एक दिन मुझे हेमा जी की नीस का फोन आया। अच्छा। और उन्होंने कहा हेमा जी वुड लाइक टू स्पीक टू यू। तो मैं समझा था कुछ फैन वैन टाइप जो है मजाक कर रहे हैं। तो मैं यार कौन हेमा जी? हेमा मालिनी जी। मैंने बिलीव नहीं किया। और फिर वो फोन पे आई, तो उन्होंने कहा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। दिल्ली में फोन आया। मैं दिल्ली में फोन